सर, रीढ़ की हड्डी के कितने परसेंट मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा? देखिए, रीढ़ की हड्डी में केवल 10-15% मरीज ही ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बचे 85-90% मरीज जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु उनको ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जिससे कि वो ठीक हो जाएं। यदि वो 85% मरीज जो है उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या उनका जो है डिस्क डेसिकेशन दूर नहीं होगा, तो आज नहीं कल और कल नहीं तो परसों, यानी कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक ना एक दिन जाकर के ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसका उदाहरण ऐसे समझते हैं, किसी भी व्यक्ति की नस जो है 25 साल की उम्र में दबी, अब व्यक्ति ने ट्रीटमेंट लिया अलग अलग तरीके से, कभी फिजियोथेरेपी, कभी जो है आयुर्वेदिक, कभी जो है यूनानी, कभी जो होम्योपैथी, अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट लिया, और पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि उसको आखिर दिक्कत क्या है। वो तो सिर्फ इतना सोचने से मतलब रख रहा है कि उसको बस दवा मिल जाए और उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे पेशेंटों का क्या होता है, ये ठीक भी नहीं हो पाते हैं, लंबे समय के बाद में जा करके इनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी को समझने की कोशिश नहीं करते आखिर उनको हुआ क्या है। बीमारी का जो प्रमुख कारण है, वो जो क्यों आ रही है, उसको ध्यान देना चाहिए कि वो रूखी है, नस दबी है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, बल्ज है, हार्निएशन है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में भी कई प्रकार की बीमारियाँ हैं। हमारे पास 6-7 साल बाद मरीज आता है और उसने कभी MRI नहीं कराई हुई होती है, तो ऐसे मरीज जब 7 साल बाद MRI कराएंगे और पता चले अचानक से पूरी हड्डी ख़राब हो चुकी है, तो फिर ऐसा मरीज कैसे ठीक हो सकता है। तो ये 15% के मरीज हैं, बाकी अगर पेशेंट सही समय पे ट्रीटमेंट ले रहा है तो 80-85% पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। 10-15% पेशेंट में वो मरीज और है, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी की जो वर्टिब्रा है वो टुकड़ों में टूट गई है, वो टूट करके नस को दबा रही है या उसको डैमेज कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन ही कराना चाहिए। बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं सर आपने तो वीडियो में बोला था कि आप बिना ऑपरेशन के करते हैं, तो कंडीशन जो है वो एक्सीडेंटल है, इसके अकॉर्डिंग बदल सकती है, तो ऐसे मरीजों को ऑपरेशन कराना चाहिए। बाकी 95-90% मरीज जो है बिना ऑपरेशन के ठीक होते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।